चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वक्त रात का टाइम हो रहा था, लगभग 9 बज रहा होगा, तो हमारे यहाँ बन रहा था ये ठेकुआ या खास्टा ऐसे करके बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये मैदा है और इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं घी को डालकर ये अच्छा से मिक्स किया जा रहा था। और इसको अच्छा से मिक्स करके और यहाँ पे चीनी और दूध को घोला गया था एक ही में डाल करके। उसके बाद इसको अच्छा से मिक्स करना है। उसके बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी और जो दूध को घोला गया है ना उसको इसमें डाल करके और ऐसे मिक्स करना है। और बहुत मतलब कम से कम 10-20 मिनट तक ऐसे ही मसलना है इसको डाल करके, तो अच्छा बनता है वैसे और भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे दीदी हमारी है ना बड़ी वाली दीदी, तो वही बना रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं हो गया था हमारा पूरा मतलब मिक्स हो गया था अच्छा से। और ऐसे करने पर जब मतलब ऐसे हो जाएगा इस तरह से बनाना था करके, गोल भी आप बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं जैसे बनाना चाहते हैं। तो इसको ऐसे ऐसे करके और रखना था, इसको राउंड बनाएं या कैसे भी बना सकते हैं। और ये ब्लॉग 7-8 दिन पहले का है, मतलब ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हम लोग कहीं चले गए थे। आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, निकालना जमा हो जाता था इसीलिए नहीं डाल पाते थे। और यहाँ पे ऐसे करके इस पर दबा कर एक और होता है, इसके ऊपर से रख कर दबाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ही है तो एक ही मतलब एक ही तरह से बना था, एक ही साइड इसने का जो डिज़ाइन मतलब होता है वो आता है एक ही तरह। तो यहाँ पे हमारा फाइनली बन रहा था और यहाँ पे फाइनली हमारा बन चुका था जो खास्टा या क्या बोलते हैं ठेकुआ बोल सकते हैं और बोलते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे हमारा पूरा बन चुका था और अभी और भी बनाना बाकी था और यहाँ पे फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। और हम लोग जा रहे थे ना तो वहीं पे लेकर जाना था। और क्या बोलते हैं लिट्टी भी बना था सुबह में, लिट्टी फ्राई करके बना था तो नहीं मतलब दिखा पाए थे क्योंकि सुबह में तैयार होना था तो वही दीदी लोग बना रहे थे तो हम नहीं वहाँ पे गए नहीं थे, गए थे लेकिन दिखा नहीं पाए थे क्योंकि जल्दी जल्दी तैयार होना था। तो यहाँ पे हमारा फाइनली है जो ठेकुआ फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और होगा उसके बाद फाइनली हो ही जाएगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसे ही बनाने। और वैसे बहुत सारे लोग बहुत तरह से बनाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है वैसे और अच्छा भी टेस्टी भी लगता। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आ गए थे भाटपा रानी, और यहाँ तक हम लोग टेम्पो था ऑटो से आए थे यहाँ तक। बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे हमारे यहाँ के गांव के मतलब बहुत ज़्यादा लोग गए थे और हम पहली बार जा रहे थे दिल्ली और फर्स्ट टाइम भी ट्रेन में भी बैठे थे पहली बार और जा रहे थे। और यहाँ पे सभी लोग जा रहे थे और हम लोग भी जा रहे थे और यहाँ पे बाबू भी हमारा गया था। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 8 बज रहा है और हम लोग आए हुए हैं भाटपार ऐसे करके स्टेशन पे। हम लोग कहीं जा रहे हैं मतलब जाकर वहीं पे बताएंगे। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक। अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हमारे यहाँ के हमारे घर के हमारी दीदी लोग मतलब ननद लोग सभी लोग गए थे और बहुत ज़्यादा लोग गए थे वैसे और मतलब हमारे गांव के लोग गए थे वो सत्संग में ऐसे करके रहते हैं बहुत ज़्यादा लोग। हमारे सासू मम्मी भी रहती है तो वही गई थी तो उनके साथ ही हम लोग गए थे, मतलब हम लोग गए थे घूमने के लिए। वो लोग की मतलब वो लोग वहाँ पे रहेंगे और हम लोग जा करके मतलब घूमना होगा जहाँ वहाँ घूम लेंगे, लेकिन अच्छा से घूम भी नहीं पाए थे। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे और प्लेटफॉर्म था ना प्लेटफॉर्म, तो वहीं पर जा रहे थे घूमने के लिए ऐसे ही क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत लेट से आई थी बहुत लेट से। तो तब तक सोचे कि यहाँ पे घूम लेते हैं और यहाँ पे हमारी दीदी थी बड़ी वाली दीदी और बाबू हमारा और हम लोग सभी लोग जा रहे थे घूमने के लिए। और यहाँ पे स्टेशन पे थे और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लेट ट्रेन आई थी
और यहाँ पे बाबू को देखिए कैसे लेकर जा रहे थे ऊपर चढ़ा करके, और ऐसे ही बीच में दोनों तरफ से पकड़ने पर टंगाने लगता है उसी में पकड़ के, और हम लोग जा रहे थे फाइनली। और यहाँ पे एक ट्रेन आई थी लेकिन हम लोग को मतलब जिसमें जाना था वो वाली नहीं थी, दूसरा ट्रेन मतलब दूसरी ट्रेन थी तो आई थी यहीं पे, तो अब सबको दिखा रहे थे। और बाबू हमारा था और बहुत ज़्यादा देर रुके थे, कम से कम 1-2 घंटा रुके थे यहाँ पे, तब ट्रेन जा कर के आई तो हम लोग फाइनली गए थे। और मतलब खूब सुबह में ही चले गए थे, 6 बजे से गए थे तो इसीलिए थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, और ट्रेन बहुत लेट से आई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था इधर से, तो मतलब उतना भी मतलब ठीक ही था, चले गए थे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ गई थी, हम लोग जा रहे थे फाइनली बैठ गए थे ट्रेन में, और बाबू ये जो छीन रहा है मोबाइल एडिट कर रहे हैं तो दे नहीं रहा है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे फाइनली, जब ट्रेन आई तो हम उतना नहीं दिखा पाए थे, और यहाँ फाइनली हम लोग गोरखपुर स्टेशन पे पहुँच चुके थे, और वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ना था हम लोगों को। और यहाँ पे बाबू हमारा था और यहाँ पे दूसरी तरफ जा रहे थे प्लेटफॉर्म पे या पता नहीं किस पे, हमें उतना कुछ आइडिया नहीं है, उतना कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं कितना नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना था तो वहीं पर जा रहे थे। और हमारी दीदी लोग हैं ना दो यहीं पर आई थी, वो लोग हमारे साथ नहीं आए थे, और एक दीदी हमारे साथ गई थी और दो दीदी मतलब वो लोग दूसरे जगह से आई थी दूसरे ट्रेन से, तो यहीं पे खोज रहे थे उन लोगों को, और वो लोग बहुत पीछे मतलब बहुत देर तक खोजे थे, 10-20 मिनट तक खोजे थे उन लोगों को, फिर फाइनली यहाँ पे आई थी वो लोग, और यहाँ पे फाइनली वो लोग मिल गए थे। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे, सभी लोग बहुत सारे लोग गए थे हमारे यहाँ के, तो हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन लगी हुई थी वही हम देख रहे थे और आप सबको दिखा रहे थे। और यहाँ पे वहाँ से दीदी लोग आ रही थी और यहाँ पे हमारी दीदी नीचे थी ना खड़ी हुई, और वो कॉलेज चले गए थे और हम लोग जा रहे थे अब, और यहाँ पे गोरखपुर स्टेशन से जाना था तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लेट ट्रेन आई थी, बहुत ज़्यादा रुके थे। और यहाँ पे बाबू को लेकर जा रहे थे, अरे पकड़ने पर टंगाने लगता है ऐसे करने पर, दोनों कोई याद पकड़ेगा इधर से उधर से तो बीच में टंगाने लगता है, और वैसे ही कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और दीदी की जो लड़की है ना वही थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक रुके थे और लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी गए थे लेकिन हम नहीं गए थे, और बाबू को लेकर यहीं पे बैठे हुए थे, बहुत देर तक बैठे थे, यहाँ पे भी 1-2 घंटा लग ही गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट ट्रेन आ रही थी, रुके हुए थे 1 घंटा से ज़्यादा लगा होगा यहाँ पे रुके थे, और बहुत ज़्यादा भीड़ था वैसे, जनरल से गए थे, जनरल वाले डब्बे से, तो ऐसे स्लीपर नहीं किया गया था तो वैसे ही गए थे, बहुत ज़्यादा उधर से आने में दिक्कत हुआ था, इधर से चले गए थे अच्छे से। और यहाँ पे बाबू सो गया था तो स्टेशन पे ही बैठे थे, अभी हम लोग का ट्रेन आई थी लेकिन अभी कोई जाने वाला मतलब कोई नहीं जा रहे थे, मतलब ट्रेन अभी नहीं जा रही थी, सभी लोग घूमने के लिए गए थे तो यहीं पे बाबू सो गया था। और यहाँ पे हम लोग पानी भर रहे थे और पानी भी अच्छा से चलाने नहीं आता है हम लोगों को, पहली बार गए थे एक बाइक पूरा पानी मतलब गिरने लग रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे पूरा पानी इधर उधर हो गया था, पता नहीं थोड़ा नल खराब था या ऐसे ही नल शायद खराब था क्योंकि दूसरी जगह ऐसे नहीं हो रहा था, यहीं पे हुआ था और पूरा भीग गया था हम लोग का कपड़ा वगैरह। और यहाँ पे बाबू के लिए क्या बोलते हैं चिप्स खरीदने के लिए बोल रहा था तो वही खरीद रहे थे उस भैया से मांग करके। और यहाँ पे तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि क्या बताएं, और ट्रेन भी बहुत ज़्यादा यहाँ इसमें बैठे थे कम से कम आधा घंटा तक बैठना भी पड़ा था, उसके बाद फाइनली ट्रेन हमारी चलना शुरू की थी तो चली थी, तो हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे बाबू को देखिए पानी पी रहा था और चिप्स खाया था, इसको थोड़ा सा सर्दी भी हो गया था लेकिन अभी ठीक है, फिलहाल ठीक हो गया है, और इतना परेशान कर रहा है ना क्या बताएं, एडिट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे हम लोग दिल्ली के लिए निकल पड़े थे, और फिर मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में।
बाबू भी फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा था और हम भी फर्स्ट टाइम बैठे थे और हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे देखिए कैसे करके देख रहा है और हेलो बोल रहा था आप सबको। और क्या बोलते हैं ना, हम लोग चले गए थे और रास्ते में एक भैया मिले थे, वो आप सबको आगे देखने को मिलेगा। उनसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा था और ऐसे ही लिट्टी बना कर गया था तो वही खा रहा था, जो आप सबको आगे देखने को मिलेगा। तो बने रहिए। एक भैया बैठे थे, उनसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा था और यहाँ पे लिट्टी खा रहा था तो उनको भी दे रहा था और वो हेलो बोल रहे थे तो ये भी हेलो मतलब बोल रहा था, टाटा कर रहा था ऐसे करके। और ये अपना टोपी निकाल दे रहा था तो हमारा दुपट्टा था ना वही बांधने के लिए बोल रहा था, क्योंकि दीदी का जो एक बाबू है ना वही बांधे थे, मतलब ऐसे रुमाल करके नहीं होता है वो बांधने वाला, तो वही बांधे थे। तो ये भी बोल रहा था कि हमें भी यही बांधो, तो वही बांधे थे इसको, से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। और सभी लोग हम लोग जा रहे थे, रात हो गया था, रात का टाइम हो रहा था तब का है। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।